उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के खर्चों को लेकर एक ब्यौरा सामने आया है, जिससे पता चलता है कि यूपी सरकार के मंत्री 2012 से लेकर 2016 तक सरकारी खजाने से पॉकेट मनी के नाम पर 8,78,12,474 रुपए खर्च कर चुके हैं। पॉकेट मनी पर यह खुलासा भाजपा नेता सुरेश खन्ना की ओर से यूपी विधानसभा में पूछे गए एक सवाल में सामने आया। दरअसल खन्ना ने जानना चाहा था कि वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बतौर पॉकेट मनी कितना खर्च किया है। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा कि मार्च 2012 से मार्च 2016 के बीच पॉकेट मनी की दृष्टि से गोपन अनुभाग ने मंत्रियों को सूबे के अंदर भ्रमण के दौरान 2,500 रुपए रोजाना और प्रदेश से बाहर और देश के अंदर भ्रमण के दौरान 3,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फुटकर खर्च करने की सीमा तय की है। पॉकेट मनी के नाम पर खर्च करने के आंकड़े में पहले नंबर पर संस्कृति राज्य मंत्री अरुणा कुमारी कोरी हैं, जिन्होंने 22,93,800 रुपए 4 सालों में खर्च कर डाले। खर्च करने की रेस में दूसरे पायदान पर संसदीय कार्य मंत्री आजम खान हैं, जिन्होंने 22,86,620 रुपए खर्च किए हैं। वहीं 22,85,900 रुपए खर्च करके कैलाश चौरसिया तीसरे स्थान पर रहे हैं। पॉकेट मनी के नाम पर मंत्रिमंडल के लगभग मंत्रियों के खर्चे 10 लाख के आंकड़े से पार हैं। हालांकि इन आंकड़ों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक मंत्री ऐसे भी हैं जिन्होंने पॉकेट मनी के नाम पर कुछ भी खर्च नहीं किया है। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सरकारी खजाने से 1 भी रुपए अपनी पॉकेट मनी के लिए नहीं लिए हैं। भले ही उत्तर प्रदेश विकास में पीछे रह जाए, पर सरकारी खजाने को खाली करने में यहां के मंत्रियों का कोई जवाब नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।